क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है क्लास 10 का जो है गणित का जो है मॉडल पेपर देखेंगे, जो बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है। और यह जो है मॉडल पेपर बहुत ही वायरल हो रहा है और इसके जो है कम से कम जो है 90 से 95% जो है क्वेश्चन लड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस जो है मॉडल पेपर के जो है सभी प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन आप लोग अवश्य से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं मॉडल पेपर को, तो ये जो है आपका मॉडल पेपर है और सेम टू सेम पेपर आपका ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए सामान्य निर्देश दिए रहेंगे, तो सामान्य निर्देश आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा और जैसे जैसे इसमें निर्देश कहा है वैसे वैसे जो है आप लोग जो है निर्देश जो है का पालन कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें विशेष रूप से जो है मैथ में जो है ये छठवां निर्देश आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर जो है कीजिए और फिर काट दीजिए, ठीक है। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए, ठीक है ना। तो उस पृष्ठ पर जो बिल्कुल रफ करके जो है छोड़ देना है, ठीक है ना। रफ कार्य लिख के काट के छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। और हमेशा जो है मैथ में दाएँ जो है तरफ जो है आप लोग सॉफ्ट का कार्य कीजिएगा, रफ का कार्य बाएँ तरफ कीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है ना, जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। इस वीडियो में हम वीडियो को जो है दो पार्ट में बनाएंगे। इस वीडियो में हम आपको जो है तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन तक जो है हल कराएंगे, इसके बाद से जो है पाँचवा छठवां सातवां अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इस जो है वीडियो में आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सौ अभाज्य संख्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये बहुविकल्पीय टाइप का है। इसमें से जो है चार को विकल्प दिया हुआ है, एक विकल्प इसमें सही है, वो अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। लिखने का तरीका क्या रहेगा वो भी आपको बताएंगे। निम्न में से कौन सा सौ अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो देखिए सौ अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका मौसा जो है क्या होता है, एक होता है। तो इन सब में जो है अलग अलग मौसा आएगा, लेकिन इसका जो है मौसा जो है आपका जो है एक आएगा, तो इसलिए यह विकल्प आपका सही है। मौसा कैसे निकालेंगे तो आप लोग को जो है बता दें कि मौसा जो है कैसे निकालेंगे। तो मौसा निकालने का जो है तरीका आप लोग देख लीजिए। इसमें तो निकालने का जो है निकालने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन रफ कार्य तो आप लोग करेंगे ना। तो रफ में जो है देखिए 18 और 25 का जो है अगर मौसम निकालना है तो 18 25 ऐसे लिख लेंगे और जो है 18 से 25 में भाग देंगे, 18 एकनम 18, 15 में से 8 जाए 7, ठीक है, ये जो है ख़त्म हो जाएगा। फिर 7 से जो है 7 को भाजक बना लेते हैं, फिर 18 में भाग देंगे तो 7 दुना 14, 14 में 8 में से 4 जा 4 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर 4 बचेगा तो 4 से जो 7 में भाग देंगे तो 4 एकनम जो है 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 से फिर जो है 4 में भाग देंगे तो 3 एकनम 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 1 आ जाएगा, फिर 1 से जो है 3 में भाग देंगे, फिर जो है 1 तिहाई 3 हो जाएगा। ये जो है आपका जो है इससे सेसफल 0 हो जा रहा है, तो जब इससे 1 से सेसफल 0 हो गया तो यही आपका एचसीएफ होता है। जिससे सेसफल 0 होगा वही एचसीएफ होगा, ठीक है। तो यही जोड़ा जो है 18-25 का जोड़ा है जो सौ अभाज्य है, इसका मौसा जो है क्या आ रहा है तो एक आ रहा है। एक एग्जाम्पल और आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, 14 से जो है 14-35 का जो है मौसा निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो 14 से जो है 35 में भाग देंगे, 14 दुना 28 हो जाएगा, तो 15 में से 8 जाए 7 हो जाएगा और 3 में से यहाँ पे 2 में से 2 जाए जो है 0 हो जाएगा। फिर 7 से जो है भाग देंगे 14 में, तो 7 दुना जो है 14 हो जाएगा। देखिए जब तक इससे भाग जाता रहेगा भाग देते रहेंगे, जब इससे भाग जाना बंद हो जाए, जैसे 14 से 7 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर अब इसको भाजक बना लेंगे और इसको यहाँ पे ला देते हैं, ठीक है, यही क्रम चलता रहता है। तो अब 7 दुना 14 हो जाएगा, ये जो है आपका 0 हो गया। तो 7 से जो है सेसफल 0 हो गया, तो यही आपका जो है क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये तो जो है करना नहीं है, बस आपका मौसा देखना है कि एक आ रहा है कि नहीं, ठीक है, मतलब एचसीएफ निकालने का तरीका बता रहे थे। अब यहाँ पे जो है आपका मौसा एक आ गया, तो यही जो है आपका जो है विकल्प 1 सही होगा, विकल्प 2 सही होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका जो है जवाब कैसे देंगे, तो यहाँ पे जो है कॉपी के एकदम बीचों बीच में लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या लिख दीजिएगा पूरा बराबर 1, और इसका क है तो क, और जवाब में आपका जो है विकल्प कौन सा सही है, दूसरा, तो दूसरा लिखिएगा यहाँ पे विकल्प। उसके बाद से विकल्प जो दूसरा जो दिया गया है विकल्प में वो भी अंक लिख दीजिएगा, ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे उत्तर जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे उत्तर जरूर लिख दीजिएगा। तो कम से कम आप लोगों का जो है मैंने ऐसे जो है लिखने का तरीका रहेगा, क्वेश्चन का जवाब देने का बहुविकल्पी टाइप का ये तरीका रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद से जो है प्रश्नोत्तर संख्या जो है 2 देखते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 देखिए, बहुत तेज़ी से थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि जो है समय का अभाव है इसमें, ठीक है ना। वीडियो जो है 30
35 मिनट से ज़्यादा का नहीं हो पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है, तो इसमें जो है मूलों का गुणनफल कह रहा है, मूलों का गुणनफल कह रहा है। तो देखिए हम लोग को समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है 3x² आप माइनस में 4x और बराबर में है 0, तो कह रहा है मूलों का गुणनफल। तो देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान a होता है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे जो c का मान क्या है, देखिए मूलों का योगफल का सूत्र ये होता है अल्फा धन बीटा बराबर होता है माइनस में b अपान a। तो हमसे पूछा जा रहा है मूलों का गुणनफल, तो ये वाला सूत्र में रखेंगे। अब सी और ए क्या होता है, तो सी और ए जो है देखिए आप हम लोग जो है इस जो है द्विघात समीकरण से तुलना कर लेंगे, मानक द्विघात समीकरण ax² अधन में bx अधन में सी बराबर 0। अब देखिए इसमें ए का जगह पर 3 है, 3 मतलब ए के जगह पर 3 आ रहा है, बी के जगह पर -4 आ रहा है, सी के जगह पर कुछ नहीं है, उसका मतलब 0 है। तो सी का मतलब इसमें 0 है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग मान लेंगे 0 है। तो अब इस समीकरण में अगर हम लोग मान रखते हैं मूलों के गुणनफल में, तो मूलों के गुणनफल में मान रखेंगे तो सी का मान 0 है तो 0 रख देंगे, और ए का मान जो है कितना है, तो ए का मान जो है यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, तो 3। अब 3 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 3 0 या 0, यानी कि 3 0 या 0 होता है। तो 3 से भाग देंगे 0 में तो ये हो जाएगा 0। तो यही हम लोगों का विकल्प सही होगा, यानी कि इसमें देखिए विकल्प जो है 0, यानी कि पहला विकल्प सही होगा आपका, जो है कौन सा विकल्प सही होगा, पहला, ठीक है ना। ये वाला विकल्प सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका पहला विकल्प सही होगा, ठीक है। इसमें देखिए समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है, समरूप त्रिभुजों की विशेषता क्या होती है, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, संगत कोण बराबर होते हैं, ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि उपयुक्त दोनों में, उपयुक्त में से दोनों, तो ये जो है आपका तीसरा विकल्प सही होगा, उपयुक्त में से दोनों, ये वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद से देखिए cos 60 और cos 30 अंश का मान इंटू में है, और माइनस में जो है साइन 60 इंटू जो है साइन 30 का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग जो है इसको जो है ज्ञात करेंगे, तो cos जो है 60 है और इंटू जो है क्या है cos 30 है, तो cos 30 अंश का मान भर देंगे और साइन 60 अंश और इंटू जो है साइन 30 अंश का मान भर देंगे। देखिए cos 60 अंश का मान अंडर रूट में 3/2 होता है, इंटू cos 30 अंश का मान जो है 1/2 होता है, और इधर देखिए माइनस में, अब यहाँ पे cos 60 अंश का मान जो है क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 का 1 में गुणा करेंगे अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 × 4 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3 का 1 में गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा और 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, इसका विकल्प कौन सा सही होगा, 0, तो ये वाला विकल्प आपका सही रहेगा। इसके बाद से देखिए निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आता है, ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आता है, ये आला जो है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में नहीं आता है, तो कौन सा विकल्प सही होगा, इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है लिख लीजिएगा उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। इसके बाद से देखिए दो बिंदुओं के निर्देशांक माइनस में 8 और 0 हैं, तथा जो है 0 और माइनस में 8 है, तो इन बिंदुओं से बने जो है रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब ये है कि दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु जो है आपका दिया हुआ है, एक का जो है माइनस में 8 है और 0 है, और एक का जो है आपका जो है 0 और माइनस में 8 है। कह रहा है कि इसके बीच बीच में जो है एक जो है बिंदु बैठा है P, इसका मध्य बिंदु का, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 / x2/2, तो x1 का मान माइनस में 8 है, अधन में x2 का मान जो है 0 है, आप बटे में 2 कर देंगे, ठीक है। तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 4 हो जाएगा x का मान, ठीक है ना। अब y का मान अगर निकालें तो y1 - y2, तो y1 का मान 0 है, माइनस में y2, तो माइनस में प्लस में होता है, तो प्लस में जो है y1 / y2, तो y1 का मान जो है 0 है और y2 का मान माइनस में 8 है, तो माइनस में 8/2 कर देंगे, तो 2 × 8 माइनस में हो जाएगा 4। तो आपका जो है कौन सा विकल्प सही होगा, तो जो है -4 - 4, देखिए विकल्प में है -4 - 4, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि -4 - 4 विकल्प में दिया हुआ है, तो ये आपका विकल्प सही होगा, इसको उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए सभी खंड कीजिए। दूसरा अब कह रहा है क, इसमें क में देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x²
माइनस फोर एक्स प्लस में 3 बराबर 0 का विविक्तर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है हम लोग जो है प्रश्न उत्तर संख्या जो है 2 लिख देंगे। यहाँ पे आराम से बढ़िया से लिखिएगा। और देखिए हर क्वेश्चन को अगर मान लीजिए कि आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो यहाँ से जो है आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो है जवाब नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक नए पेज से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे बीचों बीच में लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या पूरा लिखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या अलग पेन से लिखिएगा, ब्लैक पेन से, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या अब 2 और 2 का क है तो यहाँ पे लिखिएगा क। और यहाँ पे अब इसका जो है 2 का क का यहाँ पे हल दिखा दीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को हल करना है तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए थोड़ा सा आप लोग को दाएँ बाएँ ना समझ में आ रहा हो तो जिधर आपका दाया हाथ है उधर आप लोग जो है दाया और जिधर बाया हाथ है उधर आप लोग जो है बाया समझेंगे। देखिए ये वाला जो है क्या होगा दाया, ये वाला जो है पेज दाया होगा और इधर वाला पेज जो है क्या होगा बाया। तो आप लोग को दाएँ पेज पर सफ कार्य करना है, सफ मैंने जो भी क्वेश्चन का जवाब देना है दाएँ पे, और रफ का जरूरत पड़ेगा तो आप लोग बाएँ पेज पर यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे ऊपर जो है लिख दीजिएगा रफ कार्य, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा रफ कार्य और इधर रफ करके इधर जो है काट दीजिएगा ऐसे क्रास, बस ये खाली कर देना है, ठीक है ना। बस तो ऐसे ही है, कहने का मतलब ये है। अब इसके बाद से देखिए अब इसको हल करते हैं हम लोग। अब प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे के क का जो हल करते हैं, पर अभी विक्तर का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण हम लोग को दिया गया है, हल में लिखेंगे। दिया गया समीकरण क्या है तो 2x का स्क्वायर प्लस माइनस में जो है 4x और प्लस में जो है क्या है 3 बराबर है 0। इसका विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर का सूत्र क्या होता है तो विविक्तर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो बी का मान जो हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, कहाँ से निकालेंगे अपना माधक द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है तो ax का स्क्वायर धन में जो है bx और धन में जो है c, ये याद रखिएगा, ये जो है द्विघात समीकरण का जो है मानक सूत्र है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का मानक सूत्र है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए ax का स्क्वायर है तो ax का स्क्वायर a है यहाँ पे, तो a का गुणांक क्या दिख रहा है 2, तो यहाँ पे जो है हम लोग a का मान 2 भर सकते हैं और b का मान जो है क्या ले सकते हैं -4। तो यहाँ पे ले लेंगे -4 और इसका वर्ग कर देंगे माइनस में 4 इंटू ac। ac का मान आप लोग देख सकते हैं क्या है, तो a का मान जो है 2 है तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, a का मान 2 है तो 2 इंटू सी, तो c का मान 3 है तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। अब -4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 × 8 = 24 हो जाएगा, तो 24 में से 16 हटा दीजिए तो हो जाएगा 8 माइनस में 8, तो आपका जो है माइनस में 8 आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा, यानी कि विविक्तर हम लोग लिख सकते हैं। अतः विविक्तर बराबर अतः बी विविक्तर बी विविक्तर बराबर क्या हो गया -8। अब कह रहा है कि इसकी जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति के लिए जो हम लोग देखेंगे विविक्तर का मान कितना है माइनस में 8 है, यानी कि जो क्या है विविक्तर का मान जो है माइनस में 8 क्या है छोटा है किससे 0 से, क्या है ये 0 से छोटा है, यानी कि ये बड़ा है 0 से नहीं, ये 0 से छोटा है। 0 से छोटा का मतलब 0 से छोटा है कौन सी माइनस आठ। तो विविक्तर का मान 0 से जो है छोटा है, यानी कि 0 बड़ा है -8 से। यहाँ पे जो है क्या होगा ये भी जो है समझ नहीं होगा। देखिए मैंने हम लोगों को दिखाना है कि जो है -8 क्या है 0 से छोटा है, तो -8 जो है क्या है तो -8 जो है छोटा है क्या है 0 से, तो जो है -8 छोटा है ना, तो छोटा है तो ऐसे दिखाएंगे ना, आज 0 से ऐसे दिखाएंगे, तो -8 छोटा है 0 से, तो इसका मतलब क्या हुआ जब -8 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो इसके मूल जो है क्या होंगे वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, ये लिख देंगे, ठीक है ना, ये दिखा दे देंगे। देखेंगे भाई विविक्तर देख लेंगे तो -8 आ रहा है, तो प्रकृति में लिखेंगे कि -8 जो है क्या है छोटा है 0 से,
माइनस आठ जो है 0 से भी छोटा है। तो जब विभक्तर का मान 0 से छोटा है तो हम लोग लिख देंगे कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है ना। इसके तीन कंडीशन होते हैं और तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन जरूर पूछ सकता है। पहला कंडीशन, यदि जो है विभक्तर का मान, विभक्तर को डी से दिखाते हैं, यदि विभक्तर जो है क्या है, देखिए यदि विभक्तर जो है बड़ा है, यदि विभक्तर बड़ा है 0 से, तो मूल जो है क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल जो है क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, और जो है अपरिमेय और असमान होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे, असमान मूल होंगे, ठीक है। मैंने हई तो आपके सवाल का जवाब हो गया, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया कि अगर विभक्तर का मान 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। यदि विभक्तर का मान 0 के बराबर है तो मूल जो है क्या होंगे, दोनों मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे, और वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है। अगर विभक्तर का मान जो है क्या है, 0 से छोटा है, तो मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं होगा और जो है क्या होगा, असमान, माना इसका हल ही नहीं होगा। तो जो मूल वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा, और इसका हल नहीं होगा, तो मूल समान चाहे एक समान आने का कोई बतिया नहीं है, ठीक है ना। तो सब मिला के हम लोग जो है इस सवाल का जवाब ए हो गया और एक्स्ट्रा नॉलेज ए हो गया। तीन गो कंडीशन आप लोग जरूर इसका याद रखिएगा। इसके बाद से देखिए कह रहा है कि यदि जो है ख ख में जो है क्या कह रहा है, ख में कह रहा है कि 15 काट ए बराबर 8 हो तो जो है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए और सेक ए का मान हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है वो हल कर देना है। तो दिया है, दिया है, फटाक से लिख दीजिएगा। तो दिया है क्या, दिया है तो दिया है कि जो है 15 काट ए, 15 काट ए बराबर, 15 काट ए बराबर 8, ठीक है। तो 15 काट ए बराबर 8, तो काट ए बराबर कितना हो जाएगा, काट ए बराबर 8/15 हो जाएगा, होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि अर्थात, अब इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, अर्थात हम लोग समझे कि जो है काट बराबर क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है, यानी कि आधार अब बटे लंब जो है हम लोग को दिया गया है। तो आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15, इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो जब आधार और लंब पता है तो अब हम लोग जो है कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण बराबर, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग, तो लंब है 15, तो 15 का वर्ग कर देंगे, धन आधार का वर्ग, तो आधार है 8, तो 8 का वर्ग कर देंगे। 15 का वर्ग करेंगे, 15 225 होता है, आधन 8 हटाएं 64 होता है, ठीक है। इसको रूट में करेंगे तो जो है 15 और 64 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मतलब 225 और 64 कितना हो जाएगा, तो 289, 200 कितना हो जाएगा 89, 289 का मतलब के अंडर रूट में 17 × 17, 17 × 17 में 289 होता है, ठीक है ना। तो 17 × 17 हो गया, और 17 × 17 रूट में जब जिस जोड़ा लगता है तो बाहर हो जाता है, तो ये हो जाएगा खाली 17, ये कितना हो जाएगा 17। तो कर्ण कितना निकल गया आपका, तो कर्ण निकल गया 17, कर्ण कितना हो गया आपका 17। तो अब हम लोग जो है आराम से साइन ए का मान निकाल सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब अब बटे में कर्ण होता है। तो लंब कितना है आपका, तो यहाँ से 15, तो 15 ले लेंगे, और कर्ण कितना होता है अभी निकला है 17, तो 17, तो 15/17 साइन ए का मान हो गया। अब सेक ए, तो सेक ए का मान जो है क्या हो जाएगा, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 17, और आधार कितना है आपका, तो आधार इसमें जो है आपका दिया हुआ है 8, तो ये हो जाएगा 17/8, ठीक है। तो यही आपके दोनों आंसर हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका दूसरा का ख हो गया, ठीक है, दूसरे का ख हो गया। अब इसके बाद से हम लोग दूसरे का ग देखेंगे। तो दूसरे का ग क्या है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः जो है 121 वर्ग सेंटीमीटर और 289 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बताइए, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क्या, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का कौन सा, ग, ग में जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिखिएगा हल, हल में लिखिएगा सूत्र से, सूत्र से, इसका सूत्र क्या होता है, अब इसका सूत्र होता है दो समरूप त्रिभुज मैंने क्षेत्रफलों का, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, यहाँ पे सूत्र होता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, संगत भुजा के, उनके उनके संगत भुजा के, संगत भुजाओं के
वर्गों का अनुपात, वर्गों का अनुपात, ठीक है। तो अब समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल देंगे हम लोग। तो क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब 121 एक का दिया है और एक का दिया है कितना 200, माने माने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई दो गो त्रिभुज होंगे तो दो गो त्रिभुज होंगे तो उसमें से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 289 है, तो इनका अनुपात निकालना है तो इतना बटे इतना कर देंगे 289 है बराबर है जो है क्या हो जाएगा उनके संगत भुजाओं का वर्गों का अनुपात, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, उनके 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 नहीं उनके उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात हो गया। तो संगत भुजा के वर्गों का अनुपात बराबर है ना, तो जो है उनके तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, अब इसको इधर ला देते हैं, इसको इधर ये ला देते हैं, मतलब इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है जब वर्ग हट जाएगा, वर्गों का अनुपात हट जाएगा, यानी कि वर्ग हट जाता है तो वर्ग इधर से इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो इसको हम लोग रूट में लिख लेंगे 121 बटे कितना 289 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कौन सी 11, अगर हम 121 होता है तो 11 × 11 लिख सकते हैं, हाई 17 हम 289 होता है तो 17 × 17 लिख सकते हैं, और फिर 11 × 11 है तो 11 बाहर हो जाएगा और 17 × 17 है तो 17 बाहर हो जाएगा, तो 11 बटे जो है क्या हो जाएगा 17। तो इनके जो है भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा 11/17। आप लोग थोड़ा सही से लिखिएगा 11 और बटे में जो है क्या ऐसे सही 17, ठीक है ना। तो ये आपके जो है इनके भुजाओं का अनुपात निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके भुजाओं का अनुपात, यानी कि यहाँ पे जो है आंसर उत्तर में लिख दीजिएगा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा तो 11/17, ठीक है 11/17 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि किसी बंटन का माध्य जो है 16 और बहुलक जो है 13 है तो बंटन की जो है माध्यिका ज्ञात कीजिए, बंटन की जो है क्या करना है माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसको भी सूत्र याद रखिएगा, सूत्र याद रखेंगे तो इसको जो है किसी भी तरीके से पूछेगा तो बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र देखिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे इसका जो सूत्र होता है, यानी कि सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से हम लोग लिख देंगे क्या, चूंकि बहुलक बराबर बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका, 3 × माध्यिका माइनस में क्या होगा 2 × माध्य। सूत्र रट्टा याद कर लीजिएगा अभी, ठीक है, सूत्र रट्टा याद होना चाहिए, सारा सूत्र जो है आप लोगों को तैयार होना चाहिए, अब जितना सूत्र है सूत्र पहले तैयार होना चाहिए आप लोगों को, तभी जो है एक भी सवाल हिल पाएगा, नहीं तो एक को सवाल जो है नहीं हिल पाएगा, ठीक है ना। तो एक भी सवाल हल नहीं हो पाएगा, सूत्र जरूर रट लीजिएगा, जितना आज तक सूत्र लिखवाया गया है पढ़ाया गया है सब रट लीजिएगा, बेसिक जो है फंडा जो है रट लीजिएगा क्या है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हम लोग को जो है यहाँ पे दिया गया है बहुलक माध्य दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पे माध्य दिया गया है, तो माध्य लिख दीजिएगा कि 16 दिया गया है और बहुलक दिया गया है, बहुलक तो बहुलक दी है, बहुलक जो है 13 है, माध्य 16 है बहुलक 13 है, तो माध्य माध्य जो है 16 है, माध्य माध्या नहीं माध्य, ठीक है ना। तो माध्य जो है 16 है और बहुलक 13 है, तो अब हम लोग को माध्यिका निकालना है, सूत्र में भर दीजिए बहुलक का मान भर दीजिए, तो यहाँ पे बहुलक 13 है 13 लिख दीजिए और 3 × माध्यिका, तो माध्यिका ही निकालना है तो यही रहेगा माध्यिका, ठीक है। अब माइनस में 2 × माध्य, तो माध्य आपका दिया हुआ है कितना 16, तो यहाँ पे 16 भर दीजिए। अब क्या कीजिए, तो 13 बराबर लिख सकते हैं 3 × माध्यिका, माध्यिका माइनस में 16 × 32 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, अब माइनस 32 को इधर लाइए तो 13 और प्लस में जो है क्या हो जाएगा 32, इधर क्या हो जाएगा तो 3 × माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका 3 × माध्यिका हो जाएगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे,
तो इसको जोड़ दीजिए, 13 32 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45, और इधर क्या हो जाएगा 3 गुणे माधिका, ठीक है। अब 3 को इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा 45 बटे 3, इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और इधर क्या बच गया माधिका, इधर बच गया माधिका, इधर बच गया माधिका, तो माधिका बराबर 3 15 45, तो 15, यानी कि माधिका बराबर कितना हो गया 15 माधिका, तो माधिका आपका कितना हो गया 15, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, किधर गया भाई पेपर। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, ये घ खत्म हो गया, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सभी खंड करना है, ये सब करना है। देखिए सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो हमने जो है सिद्ध करके ऑलरेडी रख रखा है, अब इसको जो हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए जो है हम आपको जो है तुरंत अभी दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिए वीडियो को रोक के, और इसको जो है आप लोग आराम से जो है समझ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया होगा तो याद कर लीजिएगा, और इस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो है लिखने का तरीका जो हमारा है, और इसी पर आपको जो है फुल 3 1 2 नंबर मिलेगा। अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तभी जाके 2 नंबर मिलेगा, अन्यथा जो है बहुत सारे शॉर्टकट करके भी लिख दे रहे हैं तो उससे जो है नंबर कट जाएगा। तो आप लोग इसको जो है ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो को रोक के, और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो जैसे जैसे इसको किया गया है भाई आप लोग फंडा तो समझ ही जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, कहा गया है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय है, सिद्ध करना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि अंडर रूट 3 एक जो है क्या है परिमेय संख्या है, बता ही देते हैं। तो इसलिए जो है ये अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर होगा, यानी कि अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा पी अपन क्यू के, जहाँ पी क्यू जो है क्या है सहअभाज्य संख्या है, इनका इनका कोई एक अतिरिक्त कोई जो वैनिष्ठ गुणखंड नहीं है, इनका जो है कोई वैनिष्ठ गुणखंड नहीं है, मतलब एक के अतिरिक्त जो है कोई उभयनिष्ठ गुणखंड नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या वास्तव में इसका जो कोई उभयनिष्ठ गुणखंड है कि नहीं है, अगर होगा तब जो है परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो वर्ग करने के बाद से जो है रूट हट जाता है, 3 बच जाएगा, इधर दोनों पे वर्ग आ जाएगा, इसके बाद से 3q का स्क्वायर बराबर जो है पी का स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, मैंने इसका क्रॉस गुणा करा दिए हैं, इसका जो है क्रॉस गुणा करा दिया गया है, तो 3q का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 3, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, तो ये चीज़ इसको विभाजित कर सकता है, यानी कि 3p² को विभाजित करता है, इसलिए जो 3p को भी विभाजित करेगा, ये परिणाम हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब हम जो है p/3 मैंने 3 जो है पी को विभाजित कर रहा है, तो p/3 बराबर सी लिख सकते हैं, मान लीजिए सी बार में विभाजित कर रहा है, यहाँ 3 अगर पी को विभाजित कर रहा है, तो मान लेते हैं कि जो है 3 सी बार में विभाजित कर रहा है, तो जो है पी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3c लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 में पी का मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 में पी का मान रखते हैं, तो ये 3q बराबर जो है 3c का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3c का वर्ग करेंगे तो 3 × 9 c का वर्ग हो जाएगा, ये जो है 3q² रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से जो है इसको काट सकते हैं, तो 3 × 9 ये 3 हो जाएगा, और सी का वर्ग हो गया। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि q² बराबर 3c का वर्ग है, तो 3c का वर्ग है, तो 3 जो है क्या करेगा, अब इसको विभाजित करेगा, अगर ये चीज़ बराबर है तो क्लियर है कि यह इसको विभाजित करेगा, तो 3 जो है क्या करेगा q² को विभाजित करेगा, वही सब लिखने से अच्छा है कि 3q² को विभाजित करेगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि 3q² को विभाजित करेगा, परिणाम हो गया बी। परिणाम बी में और परिणाम एक में, परिणाम एक में और परिणाम बी में हम लोग देख रहे हैं कि जो है 3 जो है पी और क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे परिणाम एक और परिणाम बी से जो है पता चलता है, ए और बी से पता चलता है कि 3 पी और क्यू में उभयनिष्ठ है, जो कि हमारे कल्पना के विरोधाभास है, हमने माना था कि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, और यहाँ पे 3 जो है क्या है उभयनिष्ठ आ रहा है, जो हमारे कल्पना के विरोधाभास है, अतः जो अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। तो इसको जो है अच्छे से जो है उतार लीजिएगा कापी पे, और इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये 100% आने वाला है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद से देखिए प्रश्न संख्या 3 के क के बाद से है, ख ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax^2y = 2 और ax^ay = 4 है, तो और 4 है, और इसके जो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मैंने इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो ए का मान क्या होगा। तो देखिए इसको जो हम लोग कैसे करेंगे, दिया गया समीकरण लिख लेंगे ax^2y
अब माइनस में दो मैंने बराबर दो दिया है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में दो हो जाएगा, बराबर जीरो कर लेंगे। और आठ एक्स अधन में ए वाई बराबर जो है चार दिया है तो इसको इधर कर लेंगे तो माइनस में चार हो जाएगा, बराबर जीरो कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग मानक समीकरण a1x धन b1y धन c1 से जो है तुलना कर देंगे तो a1 और a2 का मान निकाल लेंगे। इसको a2x धन b2y धन c2 से जो है तुलना कर देंगे तो इसमें जो है a1 a2 और b1 b2 का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब इनके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त क्या है कि a1 / a2 बराबर होता है b1 / b2 बराबर होता है c1 / c2 के। ठीक है, अब a1 / a2 यहाँ से निकाल लेंगे, a1 का मान जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा a और b1 का मान हो जाएगा b2 का मान हो जाएगा 8, तो a1 / a2 करेंगे तो एक a/8 लिख देंगे, यहाँ पर जो है a/8, यहाँ पर b1 / b2 तो b1 का मान जो हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा a, अब c1 / c2 तो c2 का मान 2, और c1 का मान 2 और c2 का मान 4 हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं c1 का मान 2 माइनस में और c2 का मान जो है माइनस में 4 है नहीं है तो जो है इतना लिख देंगे। अब हम लोग कोई भी इतना बराबर इतना लेके तुलना कर देंगे या इतना बराबर इतना लेके तुलना कर देंगे तो आराम से एक का मान निकल जाएगा। तो हमने जो इतना बराबर इतना लेके तुलना कर दिया है तो a1 / a2 यानी कि 8 a/8 बराबर 2/4 ले लिया है भाई। इतना बराबर इतना ले लो चाहे इतना बराबर इतना ले लो चाहे इतना बराबर इतना ले लो तो वो जो है आराम से एक मान निकल जाएगा। तो हमने इतना बराबर इतना ले लिया है। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्या इसका क्रॉस गुणा करा देंगे, इसको यहीं पर रहने देते हैं तो 8 का 2 में गुणा करा देंगे 16 हो जाएगा, 4 अपने जगह पे है ये अपने जगह पे है। ठीक है, 4 से का 16 हो जाएगा तो जो है क्या हो जाएगा 4, तो ये का मान जो है कितना हो जाएगा 4, यही आपका जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से जो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद से यहाँ पर देखिए ग दिए गए चित्र में जो है PS/SQ बराबर है PT/TR के, तो कोण PST बराबर है कोण PRQ के, तो सिद्ध करना है कि जो है त्रिभुज PQR एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे चित्र बनाकर दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये जो है इस टाइप का चित्र है, आप लोग ऐसे चित्र जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करके दिखाते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे जो हम लोग चित्र बना लेंगे, एक मिनट यहाँ पे जरूर लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 3 का ग, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ग, ग में लिखिएगा हल, हल में अच्छे से जो है बढ़िया से लिखिएगा। हल में जो है पहला त्रिभुज बना लीजिएगा, त्रिभुज बनाने के बाद से इसके जो है इससे लिख दीजिएगा पी क्यू, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा टी, लिख दीजिएगा। लिखने के बाद से यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, दिया है, दिया है, ठीक है, दिया है कि, दिया है कि PS/SQ बराबर है PT/TR के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा PS/SQ बराबर है PT/TR के। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, देखिए एक जो है थेल्स का प्रमेय है, पहला प्रमेय है कि जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, बराबर अनुपात में विभाजित करती है, ऐसा एक होता है। और इसी का जो है विलोम होता है कि यदि बराबर अनुपात में विभाजित करती है तो यह जो है क्या होगा, इसके समांतर होगा। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग लिख सकते हैं कि ST से जो है समांतर होगा QR के, ST समांतर हो जाएगा QR के, लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए ST समांतर होगा किसके, तो QR के होगा। तो देखिए ST समांतर है QR के तो जो है क्या होगा, अगर ST समांतर है QR के तो क्या होगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है कि ये कोण जो है बराबर है इस कोण के, ये भी दिया हुआ है कोण PSQ, ये हम लोग को दिया गया है कि कोण PST यहाँ पे दिया गया है, कोण PST बराबर है कोण जो है QRT के, कोण QRT के, ये लिखा ही नहीं गया है तो ये दिया गया है तो इसको जरूर लिखिएगा QRT के, ये जो हम लोग को दिया गया कि ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। ठीक है ना, अब देखिए जब ये जो है इसके समांतर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण S बराबर हो जाएगा कोण Q के, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण S बराबर होगा कोण Q के, क्योंकि जो है संगत कोण बराबर होते हैं, क्योंकि संगत कोण से, यहाँ पे लिख दीजिएगा संगत कोण
से संगत कोण से, ये दोनों जो है क्या होंगे, संगत कोण होंगे। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं इससे, ठीक है। और देखिए यह बराबर इसने इसके दिया हुआ, इसको समीकरण एक मान लीजिए, और इसमें जो है दिया गया है क्या कि कोण क्यू बराबर, कोण यस बराबर है कोण आर के, कोण यस बराबर है कोण आर के, ये दिया गया है, ठीक है ना, ये दिया है। तो ये जो है समीकरण दो हो गया, ये समीकरण दो हो गया। तो समीकरण एक और दो से देखिए यस बराबर है क्यू के, यस बराबर है आर के, तो ये भी जो है आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार समीकरण एक और दो से हम लोग लिख देंगे समीकरण एक, समीकरण एक और समीकरण दो से हम लोग लिख सकते हैं कि कोण क्यू बराबर है किसके, कोण आर के। तो देखिए जब कोण क्यू और कोण आर बराबर हो गए, ठीक है ना, तो बराबर हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं कि इनके सम्मुख कोण भी, इनके सम्मुख भुजाएं भी जो है क्या होंगी, बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं भी जो है बराबर होती है। तो ये कोण क्यू बराबर है कोण आर के, तो कोण क्यू के सामने की भुजा पी आर, पी आर बराबर हो जाएगा कोण आर के सामने की भुजा पी क्यू के, भुजा पी क्यू के। इस प्रकार पी आर बराबर हो गया पी क्यू के, और यही हम लोगों को दिखाना था, तो यही जो हम लोगों को सिद्ध करना था, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, ये क्या है, तो समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, कोण की खाली लिख देंगे इतना तो हो जाएगा, समान कोण के सम्मुख, सम्मुख भुजाएं हैं, बस इतना लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात त्रिभुज पी क्यू आर जो है क्या है, समद्विबाहु है, एक समद्विबाहु है, एक सम समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से इसको लिख के सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से जो है कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो जो है आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर इसको, ठीक है ना। तो फिर आगे देखते हैं, अब इसके बाद से आप लोग देख लीजिए घ, कह रहा है कि एक 40 सेमी ऊंचे एक शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका जो है शंकु का जो है छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। इसको हम दिखा देते हैं कैसे जो है ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है अचार वाला प्रचार आ गया, एक मिनट, सवाल का सॉल्यूशन हम आप लोग को यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रश्न संख्या तीसरा का घ लिख देंगे यहाँ पे, इसके बाद से देखिए ये छिन्नक बना देंगे, एक तरफ जो है ये बड़ा वृत्त रहेगा और एक तरफ, अरे बाल्टी समझिए ना, छिन्नक का मतलब बाल्टी समझिए, तो इसमें दो जो है वृत्त आपको दिखेगा, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका बड़ा वृत्त दिया है, जिसको बड़ा कैपिटल आर से दिखा देंगे और ये हो जाएगा 38 और स्मॉल आर दिखा देंगे 8, ठीक है। इसका हाइट, इसका हाइट यानी कि यहाँ से लेकर ये हाइट दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो ये तिरछी हाइट जो है पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है देखिए शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ऐसे जो है आप लोग फिगर बना के ऐसे दिखा दीजिएगा, इसके बाद शंकु के छिन्नक की जो तिरछी ऊंचाई जो है क्या होता है, तो एल बराबर अंडर रूट में एच का वर्ग धन में आर माइनस आर का जो है वर्ग हो जाता है, ठीक है ना, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वर्ग हो जाएगा। इसमें मान भर दीजिएगा, एच का मान दिया है 40, तो 40 का वर्ग धन में जो है आर का, कैपिटल आर का मान दिया है 38, माइनस में जो स्मॉल आर का मान दिया है 8, तो 8 भर देना है। अब इसके बाद से इसका वर्ग कर देंगे तो 40 का वर्ग करेंगे तो 1600 हो जाएगा, और धन 38 में से जो है 38 में से 8 घटा देंगे तो 30, और 30 का यहाँ पे वर्ग लिख देंगे, और फिर जो है 1600 और धन में 900 हो जाएगा, 1600 900 2500, 2500 का जो है वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50, तो 2500 का वर्गमूल 50 हो गया, तो यही आपका जो है तिरछी ऊंचाई हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको कर लीजिएगा। इसके बाद से जो है अलग हाथ आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 चौथा देख लीजिए, क्योंकि अब मेमोरी फुल हो चुका है, ठीक है ना, तो जितना आ रहा है आ जाने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब 200 कह रहा है कि इसका 1032 और 272 का एलसीएफ ज्ञात कीजिए इक्विलिब्रियम प्रमेयिका से। तो हम लोग जो है पहले भाग दे के इधर से जो है ऐसे लिख देंगे, भाग देने के बाद से देखिए यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भाग देंगे 1032 में जो है 272 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 800, तीन बार में जाएगा, फिर 216 से आ रहा है, 216 से जो है फिर 216 को जो है क्या कर देंगे, भाजक बना देंगे, इसमें भाग देंगे, फिर इससे भाग देंगे, एक बार में जाएगा, इधर ये प्रक्रिया लिख देंगे, इसके बाद से इधर ये पर ये वाला जो है प्रक्रिया, इधर वाला ये प्रक्रिया देख रहे होंगे, और इसी प्रक्रिया को इधर लिख देना है 1032 बराबर, देखिए तो 1032 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो 1032 हो जाएगा। तो पहला प्रक्रिया ये हो गया। इसके बाद से 216 में 272 में 216 से भाग देना, 272 यहाँ पर लिख देना है, 216 एक बार में जा रहा था यहाँ पर 56 से सारा 56 ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है ना।
तो ऐसे जो है हम लोग एस सी एफ ज्ञात कर लेंगे। तो एस सी एफ हो गया हमारा कितना, देखिए जिससे जो सेसफल जीरो होता है वही एस सी एफ होता है, तो 8 से सेसफल जीरो हो गया है, तो यह जो है आपका एस सी एफ हो जाएगा 8, ठीक है ना, यही उत्तर लिख देना है। इसके बाद से अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, आगे के जो है क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अब मेमोरी फुल हो चुका है। तो आपका जो है चौथा का क तक जो है रहने दीजिए, इसके बाद से ख ग घ और जो है अगले वीडियो में इसको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद दोस्तों।